हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से नए ब्लॉग के साथ। तो आज आप लोगों को मैं अपना खेत का टूर कराएंगे, तो वीडियो पर बने रहे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये पीछे में जो सरसों का फूल दिख रहा है, ये मेरा ही है, आगे भी दिखाएंगे। तो चलते हैं। और इसमें चना है और सरसों का फूल भी है, सरसों का फूल लगा हुआ है। ये सरसों है, थोड़ा बहुत सरसों भी लग गया है। आप लोगों को आगे भी दिखाएंगे। और दोस्तों, आप लोगों को बताए थे जो मटर का फूल होना शुरू हो गया है, वो पूरा एकदम फूल लग चुका है। आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखो कितना सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है पीछे में। ये देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों को अच्छा से दिखाते हैं। इसमें पूरा फूल लग गया, एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये देखो। तो धनिया में भी फूल होने लगा, इसमें फूल होने लगा धनिया में। आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखो, इसमें भी फूल होने लगा। ये देखो, ये मसूर है, इसमें भी फूल होने लगा। ये देखो, सब में फूल लग चुका है। और आप लोगों को गेहूं भी दिखाएंगे, तो वहीं चलते हैं गेहूं के खेत में। ये सरसों का खेत है, इसमें फूल नहीं हुआ है, इसको पीछे ही लगाए हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें लेट है, इसमें लेट लगेगा फूल होने में। तो हम लोग गेहूं के खेत में आ गए। ये देखो, पीछे जो दिख रहा है गेहूं है, अभी छोटा है। ये देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा पीछे कितना हरा दिख रहा है, कितना हरा दिख रहा है। आप लोगों को दिखाते हैं अच्छा से। ये गेहूं है, ये देखो, ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे। थैंक यू।